हेलो गाइस, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे हैवोक ओएस के अजीम एक्स वी एडिशन रोम के बारे में, जिसका न्यू अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें हमें क्या कुछ देखने को यहाँ पे मिलता है, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। न्यू आपको फीचर्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं, तो उन सारी फीचर्स के बारे में यहाँ पे बात करने वाला इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। और ये रेडमी नोट 5 प्रो के लिए है, तो अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें, ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड करूं आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पे अवार्ड फोन में, तो एंड्रॉइड 10 हमें देखने को मिल जाता है हैवोक ओएस का 3.3 और 5 मार्च 2020 की आपको सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाती है। एंड बात करते हैं कैमरे की, तो MIUI का कैमरा आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है, बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रहा है यहाँ पे। और बात करते हैं इसकी वीडियो क्वालिटी की, तो वीडियो क्वालिटी भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ हमें कौन सी वीडियो क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिल जाती है, तो जो कि 1080 60 फ्रेम एंड 4K 30 फ्रेम पे देखने को मिल जाती है। एंड बात करें जीकैम की, तो जीकैम का इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जीकैम का 7.3 का यूनिवर्सल जो कि ऐप है वो है, ये आप बाकी डिवाइस में भी यूज़ कर सकते हो। कैसे इंस्टॉल करना है आप वो वीडियो वॉच कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, बाकी डिवाइस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और बात करते हैं यहाँ पे हमारे टॉगल्स में जो कि न्यू फीचर ऐड किया गया, जो कि हमारा है स्क्रीन रिकॉर्डर, आपको टॉगल पे पहले ही देखने को मिलता था, लेकिन इस पर अगर आप टैप करते हो रिकॉर्डिंग करते समय तो आपको एंड्रॉयड आर स्टाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एंड्रॉयड आर जैसा आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है फीचर, जो कि यहाँ पे ऐड किया गया इस अपडेट में। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है, 100 स्टॉप डॉट मिल जाता है लो क्वालिटी के लिए। एंड स्टार्ट आप करते हो तो कुछ इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाता है। और साथ साथ एक फीचर और ऐड किया गया हमारे टॉगल्स में ही, जो कि ऐड किया गया यहाँ पे टॉगल्स पे, अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हो तो काफ़ी सारे टॉगल्स में ऐड कर दिया गया है इस चीज़ को यहाँ पे। तो आप अब ज़्यादातर टॉगल्स पे आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो आप उसकी सेटिंग्स में जा सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये चीज़ ऐड कर दिया गया इस अपडेट के साथ, ये काफ़ी अच्छा फीचर आपको यहाँ पे दिए गए हैं टॉगल्स के लिए। और बात करते हैं सेटिंग्स की, तो कॉन्फ़िगरेशन सेंटर के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे स्टेटस बार क्विक सेटिंग अम्बिन डिस्प्ले में यहाँ पे देखने मिल जाती है। लेकिन अम्बिन डिस्प्ले के अंदर अगर आप चलते हो तो अम्बिन डिस्प्ले के अंदर अगर आप ऑलवेज ऑन यहाँ पे यूज़ करते हो तो ऑलवेज ऑन जो है आपका यहाँ पे काम नहीं करता। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ तो ऑलवेज ऑन जो है यहाँ पे फिलहाल अभी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो ये चीज़ आपका जो है वर्क नहीं करता, तो ऑलवेज ऑन में आपको अभी प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पे हमारा नीचे डबल टैप मिल जाता है एंड और भी पॉकेट के लिए यहाँ पे मिल जाता है। और साथ साथ बात करें बटन्स की, तो बटन्स के अंदर अगर आप जाते हो तो नेविगेशन बार मिल जाता है, सिस्टम नेविगेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि फुल स्क्रीन जेस्चर है। और सेकंड बटन जो कि 2 बटन नेविगेशन वो भी काम कर रहे हैं, 3 बटन नेविगेशन जो है ये भी हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो और साथ साथ यहाँ पे जेस्चर सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। और बात करें तो यहाँ पे आपको और एरो की मिल जाता है एंड नीचे आपको पावर मेन्यू देखने को मिल जाता है एंड एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप पावर मेन्यू में लगा सकते हैं। तो एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारा जेस्चर जो है जेस्चर सेटिंग्स के अंदर भी देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, तो जेस्चर सेटिंग्स में आप देख सकते हो तो यहाँ भी आपको ये जेस्चर जो कि देखने को मिल जाता है। तो दो जगह आपको ये जेस्चर देखने को मिलता है। एंड टच स्क्रीन जो कि हैप्टिक फीडबैक, ये न्यू फीचर ऐड किया गया है यहाँ पे इस अपडेट के साथ। और नीचे नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाती है जो कि चार्जिंग LED है, नोटिफिकेशन LED है, ब्लिंक लाइट मिल जाती है हमें यहाँ पे, एज लाइटिंग भी देखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। एनिमेशन मिल जाता है एंड मिसलेनियस के अंदर अगर आप चलते हो तो यहाँ पे गेमिंग मोड का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि पहले से ऑलरेडी हमें यहाँ पे देखने को मिलता था। और बात करते हैं बैटरी की, तो बैटरी सेवर, अडेप्टिव बैटरी एंड स्मार्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। और बैटरी बैकअप की अगर हम बात करें तो 2 घंटे फुल ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 66% बैटरी आपको देखने को मिलने वाली, तो बैटरी बैकअप आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और बात करते हैं हमारा डिस्प्ले सेटिंग्स की, तो डिस्प्ले के अंदर स्टाइल एंड वॉलपेपर्स के अंदर अगर हम चलते हैं तो सारे सारे स्टाइल जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से अप्लाई हो रहा है, क्लॉक भी हमारा अप्लाई हो रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के, आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और नीचे हमें यहाँ पे डिस्प्ले साइज ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, लॉक स्क्रीन डिस्प्ले का ऑप्शन एंड डबल टैप टू बैक हमारा जो है काम कर रहा है यहाँ पे। साउंड का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे अगर हम चलते हैं सिक्योरिटी में, तो फिंगरप्रिंट यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, तो फिंगरप्रिंट जो है हमारे यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, बस 1 टैप वाला इशू देखने को मिल जाता है और बाकी फिंगरप्रिंट जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे हमारा काम कर रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के। एंड स्क्रीन लॉक सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और साथ साथ यहाँ पे स्मार्ट लॉक की बात करें तो स्मार्ट लॉक के अंदर आपको 3 ऑप्शन जो कि देखने को यहाँ पे हमें मिलने वाले हैं,
ये तीनों आपको देखने को मिल जाते हैं। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, सिक्योरिटी हो गई हमारी, और डिजिटल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो डिजिटल वेलबिंग आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है। तो डिजिटल वेलबिंग अपनी एक्टिविटीज जो कि चेक कर सकते हैं, सिस्टम के अंदर आपको नॉर्मल सारी सेटिंग मिल जाती है। N22 बेंचमार्क स्कोर की बात करें तो 1,43,651 आपको N22 बेंचमार्क स्कोर देखने को मिल जाता है। एंड गेमिंग की बात करें तो ग्राफिक जो है आपको यहाँ पे HD तक का देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड स्मूथ और हाई फ्रेम रेट पे मैं यहाँ पे खेल के आपको दिखाने वाला हूँ। तो PUBG जो है हमारा यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा है, तो अब हाई फ्रेम रेट पे अगर आप खेलते हो स्मूथ पे तो बिल्कुल अच्छे तरीके से खेल पाओगे, कोई भी इशू नहीं। अगर इससे ज़्यादा ग्राफिक बढ़ाना चाहते हो बैलेंस या HD पे, तो थोड़ा बहुत आपको लैगिंग जो है देखने को मिलने वाली है। बाकी ऐसे आपका गेम जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे चल रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के। और बग जो है ऑलवेज ऑन का ही वहाँ पे देखने को मिला, बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम वाला बग फिलहाल देखने को नहीं मिलता है। बाकी जो भी चीज़ें हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। और साथ साथ हमारा पैटर्न में भी FOD का जो कि ऐड किया गया है, ये चीज़ FOD पैटर्न जो कि ऐड कर दिया गया है, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे फिक्स की गई हैं जो कि प्रॉब्लम थी, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे फिक्स कर दी गई है। और साथ साथ इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलने वाली इस अपडेट में काफ़ी अच्छी, और यही सारी चीज़ें थी इस रोम में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दें, ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।